इस साल की इस विंटर की पहली H&M की हुडी हॉर्न में आपका स्वागत है। देखो भाई, पिछले साल जो हमने मचाया था बहुत सारी हुडीज के थ्रू, इस बार भी आपको वैसे ही मजा देने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, टोटल 6 हुडीज है, कुछ शर्ट्स भी हैं। हमारी पहली H&M की हुडी आ गई हमारे पास में, फट गया। ऑलराइट, प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर लिखा हो भाई 2299 कितना पे करना, क्या पे करना, वो सारी चीजें तो आप देख लेना वेबसाइट में जाकर। हमारा काम है आपको क्वालिटी बताना और आपको बताना कि क्या कैसा है, और थोड़े स्पीड में। ब्लू कलर की एक बहुत खूबसूरत रिलैक्स्ड फिट के साथ आने वाली हुडी है। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली कैंगरू पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, हेम मिल जाएगा नीचे जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। स्लीव्स के एंड में आपको कफिंग्स देखने को मिलती है, बड़ा सा आपको हुड देखने को मिल जाएगा, ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हुड की जो साइजिंग है या क्वालिटी है या जो अंदर की लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। लिटरली यहाँ पर आपको कहीं से भी ना कंजूसी देखने को नहीं मिलेगी। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक फ्लावर की प्रिंटिंग देखने को मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ टेक इट चिल, और हुडी के बैक में आपको सेम वही बड़ा प्रिंट देखने को मिलेगा बिगर साइज में। प्रिंटिंग की ओवरऑल क्वालिटी या कलर्स की क्वालिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड इस हुडी का जो ब्लू कलर भी है ना वो बहुत ज्यादा ब्लू लगता है, रिच लगता है। अंदर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्रीमियम फर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा आपको गर्म रखेगा विंटर्स के वक्त। 57% कॉटन एंड 3% आपको पॉलिएस्टर मिलता है, मेड इन म्यांमार वाला प्रोडक्ट है। ओवरऑल पहन के मैं हुडी को कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। H&M की हुडी है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा कूल दिखाएगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या पता है इस हुडी में, जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो डिजाइनिंग है ना, ये फ्लावर्स वाली, ये ब्लू कलर की हुडी या बैक वाली डिजाइनिंग, ये इंडियन मार्केट में या इंडियन ब्रांड्स के थ्रू ना बहुत ज्यादा उठा लिया गया। मतलब अदर जितने भी ब्रांड्स है ना, जैसे वेडो या और अदर ब्रांड्स, उनके भी कलेक्शन में ना आपको सेम यही हुडीज देखने को मिलेगी। तो प्रिंट और लुक वाइज ना वैसा कुछ डिफरेंस बचा नहीं है, जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा फिटिंग में एंड क्वालिटी में। होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं H&M का एक बहुत खूबसूरत सा स्वेटशर्ट। स्वेटशर्ट और हुडी काइंड ऑफ एक ही चीज होती है, बस स्वेटशर्ट में एक हुड लगा दो तो वो हुडी बन जाती है, हटा दो तो स्वेटशर्ट बन जाता है। ये है एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का रिलैक्स्ड फिट के साथ आने वाला H&M का स्वेटशर्ट, और ये कोई मैंगो स्वेटशर्ट नहीं है, बल्कि ये स्वेटशर्ट केथ हेरिंग के साथ कोलैबोरेशन में बना हुआ है। प्राइसिंग आप लिखी हुई 2299 तक, वो पे नहीं करना है, जो भी पे करना ये सारी चीजें आप वेबसाइट में जाकर देख लेना। स्वेटशर्ट में आपको राउंड नेक देखने को मिलता है, साइड में आपको वही हेम वाली डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे में भी आपको हेम मिलता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और स्लीव्स के एंड में भी आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। जैसे मैंने ये गैप वाली हुडी पहन के रखी है, इसका कफ ना बस नाम मात्र कफ, ऐसा कुछ पकड़ता नहीं है, सेम वही क्वालिटी यहाँ पर भी आपको फील होगी। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर डिजाइनिंग की बात करें, लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक खूबसूरत सा दिल धड़कन धुक 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 देखने को मिलेगा, वहां पे थुक, जहां पर आपको फेस और ये सारी जो आर्ट है ना, ये केथ हेरिंग की अपनी डिजाइनिंग है। केथ हेरिंग बेसिकली एक आर्टिस्ट है, उनका ये दिल वाला डिजाइन है। लेफ्ट वाले हैंड के एकदम बॉटम में आपको यहाँ पर केथ हेरिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, केथ हेरिंग लिखा हुआ है और ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और इस स्वेटशर्ट में आपको कुछ नहीं मिलता, और यही इसकी बेस्ट बात है। देखो स्वेटशर्ट्स जनरली आप कलरफुल ज्यादा 3-5-6-4 पहन लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा देर तक पहनने के लिए आपको एक सिंपल स्वेटशर्ट की आवश्यकता है, और ये स्वेटशर्ट ना उन सारे रिक्त स्थानों को भरता है, बैंगन का भरता है। अंदर में आपको H&M का टैग मिल जाएगा, रिलैक्स फिट लिखा हुआ, केथ हेरिंग का आपको अलग से टैग मिल जाएगा। प्रॉपर अगर अंदर के फर की बात करें तो बहुत ज्यादा मोटा फर नहीं है, हल्का सा फर है, नॉर्मली भी पहनोगे तो अच्छा है, लेयरिंग के थ्रू पहनोगे तो थोड़ी आपको और गर्मी मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। ऐसे सिंपल स्वेट शर्ट्स आपके पास होने चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव डिजाइनिंग हो। नेक्स्ट हुडी आ गई हमारे पास में, फटाफट इसे निकालते हैं, इसी तरह से पेपर में पैक डालते हैं H&M के प्रोडक्ट। जैक एंड जॉन्स H&M का आपको टैग मिल जाएगा, और यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है डिज्नी 100। अभी 100 के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्होंने 100 साल पूरे कर लिए है क्या है वो नहीं पता, लेकिन हाँ H&M और डिज्नी का कोलैबोरेशन है। इन टैग के पीछे देखोगे तो आपको मिकी माउस देखने को मिल जाएगा, जो कि डिज्नी का पार्ट है, और उसके नीचे ये जो स्पूकी सा भूत आपको दिख रहा है ना, जिसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क है, इसको ध्यान में रखना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कलेक्शन बाय ट्रेवर एंड्रयू यहाँ पर लिखा हुआ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हुडी की बात करें ना, एक बहुत खूबसूरत डीप पर्पल कलर की हुडी है भाई, क्वालिटी नज़र फील हो रही है। और आपको कैंगरू पॉकेट देखने को मिल जाएगा, नीचे में ही मिल जाएगा, हैंड में कफिंग्स आपको मिल जाएंगे, बड़ा सा हुड मिलता है, अंदर में आपको लाइनिंग मिल जाएगी। अगर इसकी डिजाइनिंग की बात करें, राइट साइड के छतिया के ऊपर में आपको एक बड़ा सा आपको डिज्नी का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफ प्रिंटिंग के थ्रू किया गया है। दूसरी तरफ आपको मिकी माउस देखने को मिल जाएगा, और ऊपर में मिलता है एक UFO। मिकी माउस को भी पफ प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है, थोड़ा सा फ्लैटर साइड में है, लेकिन ये जो क्यूट सा UFO या क्लाउड और सन है जो भी है वो आपको एम्ब्रॉयडर्ड देखने को मिलता है। कैंगरू पॉकेट के साइड में आपको एक लैडर जैसा डिजाइनिंग मिल जाएगा, अगेन पफ प्रिंटिंग है। और बैक की तरफ अगर जाएं तो यहां पर
पर आपको बड़ा सा डिज्नी का लोगो मिलता है जो कि नॉर्मल प्रिंटिंग यहाँ पर की गई है, बट दिस इज नॉट द एंड। एक स्लीव में आपको देखने को मिलेगा बहुत खूबसूरत सा डिज्नी का लोगो जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है व्हाइट कलर के थ्रेड से, और दूसरे स्लीव पे आपको अगेन मिलता है वो स्पूकी भूत जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये क्या है स्पूकी भूत? ये है ट्रेवर एंड्रयू के कलेक्शन का पार्ट। बेसिकली ट्रेवर एंड्रयू एक आर्टिस्ट है, एक म्यूजिशियन है और एक स्नोबोर्डर है। ओलंपिक्स उन्होंने जीता हुआ 2002 में। ये सारी बातों से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल हुडी को जज करते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप इसे देख लो। एंड एक खूबसूरत सी चीज इसके साथ आती है, वो है सेम स्पूकी भूत का एक स्टिकर जो कि मैं पहली बार किसी हुडी में देख रहा हूँ, लेकिन क्यूट एलिमेंट है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। अंदर के अगर फर की बात करें अच्छी क्वालिटी का है, जाना चाहो जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हुडी है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। वैसे डिमांड तो बहुत आती है और हम उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रेगुलर आपके लिए फैशन वीडियोस लाते हैं, रील्स लाते हैं, टेलीग्राम में खतरनाक सेल्स आपको शेयर करते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम का पार्ट नहीं होना भाई, सेल्स मुंह पे है, और ऐसा ना हो कि मुंह के पास से निकल जाए एक तगड़ी सी डील। डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ना मिले तो वन चांस टीजी सर्च करना है। ये है एक निर्वाणा की हुडी, ब्लैक कलर की पूरी हुडी है, सेम आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, चाहे कैंगरू पॉकेट की बात करें, नीचे के हेम की बात करें, हैंड की कफिंग की बात करें, बड़ा सा हुड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक्चुअल में H&M के जो हुडीज की ओवरऑल फिटिंग होती है ना, वो तगड़ी होती है भाई, तगड़ी होती है। अगर आपके पास फालतू के पैसे हैं तो आप ज़ारा के लिए जाओ, लेकिन अगर आपको एक डिसेंट प्राइस में अच्छी क्वालिटी एक्सपीरियंस करनी है ना, आप जा सकते हो H&M के लिए। अंदर की तरफ आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, और अब तो भाई रांची में भी H&M खुल चुका है, झारखंड में भी आ गया, धीरे धीरे सारे जगहों पर H&M के स्टोर्स आ रहे हैं। लेफ्ट चेस्ट पे आपको निर्वाणा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, प्रिंटेड है। दोनों स्लीव्स में यहाँ पर आपको प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, कुछ कुछ टेक्सटोग्राफी की गई है पूरे फुल स्लीव में, और बीच में एक एंजल बनी हुई है। बैक की तरफ अगर देखे तो वही एंजल आपको एकदम बड़े साइज में प्रिंटेड देखने को मिलेगा। ऐसे वर्टिकली आपको ना निर्वाणा की यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल जितने भी कलर्स है ना, बहुत लेस सैचुरेटेड, थोड़े पुराने से जंग खाए हुए टाइप के लगते हैं, और इसकी जो ओवरऑल थीम निकल कर आती है ना, वो बहुत तगड़ी और मेच्योर आती है। अंदर की अगर क्वालिटी की बात करें भाई, फर वर इसमें आपको अच्छा देखने को मिलता है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। अंदर में आपको H&M की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये एक ओवर साइज्ड हुडी है। अभी तक दिन को नहीं पता निर्वाणा क्या है, निर्वाणा इज अ रॉक बैंड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट पैकेज आ गया हमारे पास, फटाफट इसे चीर फाड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। ये क्या पता है, ये है एक बेसिक H&M की हुडी। H&M के बेसिक हुडीज ना सबसे ज्यादा बिकते हैं, लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रे कलर की पूरी हुडी है, नॉर्मल से आपको कैंगरू पॉकेट देखने को मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, हैंड मेकअपिंग मिल जाएगी, बड़ा सा हुड मिल जाएगा, अंदर में आपको लाइनिंग मिलती है, ड्रॉस्ट्रिंग्स मिलता है। देखो कितना ज्यादा आपका भाई ट्रेंड है सारी चीजों में, मेन सीधा कूदेंगे क्वालिटी पे। पूरा सॉलिड कलर है, कहीं भी आपको ताम झाम नहीं मिलेगा। ये एक रिलैक्स्ड फिट हुडी है, यानी थोड़ा सा लूज आएगा आपको, ओवर साइज हुडी नहीं है, ना ही बॉक्सी फिट हुडी है। अच्छी बात क्या है, क्वालिटी को साइड में रखते हुए इस हुडी के बहुत सारे आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये हुडी महज 1500 में आती है। आई नो 1500 थोड़ा सा ज्यादा होगा आपके लिए, लेकिन H&M के लिए ये स्टार्टिंग प्राइस है। एंड उस हिसाब से अगर इसे जज करें ना, तो 1500 में एक अच्छी डिसेंट क्वालिटी आपको मिलती है। क्या फैब्रिक की भी क्वालिटी उतनी अच्छी है? क्या इससे अच्छी हुडी 1500 में नहीं मिल सकती? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखो फैब्रिक को अगर जज करोगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस नहीं फील होगा। 1500 में आपको अच्छी अच्छी और हुडीज मिल जाएंगी अदर ब्रांड्स की, लेकिन ये जो फिटिंग है ना H&M की, वो थोड़ी इसे स्पेशल बनाती है। बाकी हाँ, फैब्रिक में तो प्रॉब्लम है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट हुडी आ गई हमारे पास, और जितनी रफ्तार से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उतनी रफ्तार की ये वाली हुडी है। ब्लैक कलर के खूबसूरत फॉर्मूला 1 के साथ कोलैबोरेटेड हुडी, प्राइसिंग भी 2299। देखा आपने, बहुत कुछ सिमिलर सी प्राइसिंग है ना। देखो एक सजेशन मान लो मेरी, 2000 से चलो 2200 रुपए से ज्यादा की हुडीज ना मत खरीदना, एंड नेवर सजेस्ट यू। दारा का जिनको पहनने का शौक है भाई, उनकी मैं वीडियो लाएंगे, लेकिन 2000 तक ना अच्छी अच्छी हुडीज मिल जाती है। ब्लैक कलर की हुडी है, सारे फॉर्मेट्स आपको वही सेम मिलेंगे, पॉकेट से लेकर कफिंग से लेकर सारी चीजें। हुड की साइजिंग इसमें भी आपको अच्छी मिल जाएगी, अंदर में आपको लाइनिंग मिल जाएगी। ओवरऑल जो भी आप देखो पैसे पे करोगे ना, उस हिसाब से क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिलती है। लेकिन अभी ये बात है भाई, बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, स्लूक बहुत अच्छा काम कर रहा है, अर्बन मंकी का भी हुडीज आने बाकी है, बॉन्गर्स कॉर्नर के, शू स्टोर के बहुत सारे हुडीज आने बाकी है। सारे ब्रांड्स के सारे कलेक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो मिस ना हो। लेफ्ट और राइट चेस्ट पर आपको दोनों तरफ प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी, एक तरफ लिखा हुआ फॉर्मूला 1, दूसरी तरफ F1 कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें लिखी हुई है। बैक की तरफ देखोगे यहाँ पर आपको अगेन एक F1 कार देखने को मिलता है, बाकी ऊपर में भी आपको फॉर्मूला 1 ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट वाले स्लीव के एंड में आपको उनका जो झंडा होता है ना, ऐसे फुर करके मारते तो छुम करके भागता है, वो वाला झंडा आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो स्टार्ट पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट इसे बोलते हैं, बाकी दूसरे वाले स्लीव में आपको कुछ नहीं मिलता। अंदर में H&M की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये भी एक रेगुलर फिट वाली हुडी है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। इसमें अगर कमी निकालने की बात करें ना, तो प्रिंटिंग बहुत उम्दा नहीं लग रही थी, और थोड़ी
सी आउटडेटेड टाइप की प्रिंटिंग लगती है, क्योंकि अभी देखो और 10 तरह की पफ प्रिंटिंग और ये सारी चीजें आ गई है जिससे लोग अच्छा अच्छा खतरनाक काम कर रहे हैं। ना ही इसमें एम्ब्रॉयडरी है, ना ही कुछ है, तो थोड़ा सा उसमें लैग लगा, बाकी ओवरऑल डिजाइनिंग तो जबरदस्त है ही। बहुत सारे ऐसे हम कलेक्शन आपको दिखाने वाले हैं H&M के, अब नेक्स्ट महीने आएगी, तो अगर आपको कलेक्शन अच्छे लगे, इसमें से कोई भी हुडी अच्छी लगी, जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद। पेश बूम।